ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच दोस्तों आज होने वाला है। आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग लॉजिकली मेगा ग्रैंड लीग के लिए एक बेहतरीन डिफरेंशियल टीम बना सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और लॉजिक के साथ डिफरेंशियल टीम को फ्रेम करते हैं। ओके दोस्तों, इस मैच के लिए जो स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा हूं वो स्ट्रक्चर होगा हम लोगों का 1-3-3-4 का। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक टीम स्ट्रांग हो दूसरी टीम वीक हो तो आप लोगों का बेस्ट स्ट्रक्चर 1-3-3-4 का होता है। और ये सारा हम लोगों ने बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत सारे मैचेस के रिजल्ट के बाद ही ये आप लोगों को यहां पर ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ओके, अब बात करते हैं कि कौन से ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है। दोस्तों ये जो होने वाला है ना, ये होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे ये मैच होने वाला है। ठीक है, देखो मैच का किसी भी स्टेडियम पे हो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत है और वो बांग्लादेश को किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे चाहे वो बैटिंग सेकेंड पे करे, इजिली हरा देगी। ठीक है, बट यहां पर हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, हम लोगों को अपने टीम को फ्रेम करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स अगर पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो किस हिसाब से हम लोगों को अपने टीम को फ्रेम करना चाहिए, और बांग्लादेश अगर पहले बॉलिंग करती है तो किस हिसाब से हम लोगों को अपने टीम को फ्रेम करना चाहिए। ओके, सबसे पहले चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एक एक करके सारे सेक्शन को। लेकिन यहां पर मैंने आप लोगों के लिए विकेट कीपर वाले सेक्शन, जिसमें कि आप लोगों को एम वेट खेलते हुए दिखेंगे और यहां से आप लोगों को लेटन दास खेलते हुए दिखेंगे, प्लस बैटिंग वाले सेक्शन को, दोनों को एक साथ क्लब कर दिया है और यहां पर हम लोग इन दोनों सेक्शन को मिलाकर चार प्लेयर लेने वाले हैं। ठीक है, विकेट कीपर वाले सेक्शन की अगर आप लोग बात करोगे तो एम वेट फोर डाउन पोजीशन पे आते हैं, अच्छे प्लेयर है, 19 का इनका एवरेज है। ठीक है, लास्ट मैच में बैटिंग मिला था तो 18 रन बनाया था, बट मोस्टली इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि इन्हें बैटिंग ही नहीं मिलता। जब ऊपर की, जब दूसरी साइड कमजोर है ना, तो फिर इन्हें बैटिंग मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं। ठीक है, बट लेटिन दास यहां पे ओपनिंग करने आएंगे, अच्छे फॉर्म पे है, लास्ट दो मैच में इन्होंने अच्छा रन किया है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो विकेट कीपर वाला सेक्शन एक ही प्लेयर होगा आप लोगों के लिए, लेटिन दास। क्या ये सीबीसी का कंटेंडर है? नहीं, ये बिल्कुल आप लोगों ने इसे सीबीसी के कंटेंडर की तरह नहीं देखना है। ठीक है, तो विकेट कीपर वाला सेक्शन क्लियर, लिटिन दास को हम लोग लेकर चलेंगे सारे मल्टीपल डिफरेंशियल टीम पे। ओके, अब आ जाओ बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को डी वार्नर, ए फिंच और एस स्मिथ खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बांग्लादेश की टीम पे आप लोगों को एन नेम्स, एक एम रहीम, महमूदुल्ला हुसैन और पटवारी खेलते हुए दिखेंगे। ओके, हुसैन और पटवारी को तो एलिमिनेट कर दो, ये कुछ नहीं करते। ठीक है, देखो थोड़ा रिस्क तो हम लोगों को लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं हुसैन और पटवारी को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, देखो ना परफॉर्मेंस तो देखो, 5-2-0, 3-2-11, कुछ कर ही नहीं रहे तो क्यों रखे अपनी टीम में, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इस वाले सेक्शन पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के तीन प्लेयर, जो कि हमारे डेविड वार्नर है, एरन फिंच है और एस स्मिथ है, इन तीनों में से यहां पर हम लोग प्लेयर को लेंगे डिफरेंशियली। कैसे कैसे लेंगे, देखो यहां पर एक टीम पे आप लोग डी वार्नर के साथ ए फिंच को लोगे, एक टीम पे आप लोग डी वार्नर के साथ आप लोग एस स्मिथ को लोगे और एक टीम पे आप लोग एरन फिंच के साथ स्टीव स्मिथ को लोगे। मतलब ये तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इन तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आप लोगों ने यहां पर इस पोजीशन पे डालना है। ओके, क्या ये पोजीशन, क्या ये दो पोजीशन जो ये बॉक्स है, क्या ये आप लोगों को सीवीसी का कंटेंडर देगा? बिल्कुल देगा। यहां वैसे आप लोगों को एक सीवीसी मिलने के चांसेस बहुत हाई है, इस लिंक पे आप लोगों को एक सीवीसी मिलने के चांसेस बहुत हाई है। मतलब जो भी आप अपने टीम पे प्लेयर लोगे ना, उस प्लेयर को आप लोग कैप्टन, वाइस कैप्टन बना सकते हो, वो चल सकता है और सीवीसी का कंटेंडर बन सकता है। अब ये जो एक पोजीशन है ना, इस एक पोजीशन पे बहुत तकलीफ है। क्यों? इस एक तकलीफ इसलिए है क्योंकि यहां पे तीन प्लेयर आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है? एन नेमसेक आ सकता है, यहां पर एम रहीम आ सकता है, यहां पर महमूदुल्ला आ सकता है। ठीक है, इन तीनों में से ही कोई एक यहां पर आएगा और इस पोजीशन पे इन तीनों में से कोई दो लोग आएंगे, इतनी बात तो आप लोग कंफर्म मानो। सीवीसी के कंटेंडर है क्या ये? नहीं, ये सीवीसी के आप लोगों को कंटेंडर बनते हुए
नहीं देखेंगे। ओके, अगर आप लोग मुझसे बोलोगे कि चलो एक एक प्लेयर बता दो कि कौन आने वाला है, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है यहां पर एम रहीम आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एम रहीम यहां पर आ जाएगा। दो मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 57 और 29, उसके बाद दो मैच में फ्लॉप हुआ है। होपफुली इस मैच में यह अच्छा कर जाएगा। ठीक है, एम रहीम आ सकता है। वैसे आने को अब 1, 2, 3 कोई भी आ सकता है। डिफरेंशियल टीम बनाओ, तीनों को कंसिडर करो। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि बेस्ट 3 कॉम्बिनेशन बता दो यहां पर कौन होने चाहिए, ठीक है, मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल लीग की टीम मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसकी कोई चिंता मत करो। ठीक है, देखो अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे ना, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ए फिंच, एस स्मिथ और यहां से आप लोगों को एम रहीम। ये तीन बंदे आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन जगह पे फिक्स होते हुए दिखेंगे। और आप लोगों को जो कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर है, वो आप लोगों को इन दोनों में से कोई बनता हुआ दिखेगा। वैसे स्टीव स्मिथ काफी स्लो खेलता है, बट कंसिस्टेंट प्लेयर है, आप लोगों को डीटी का मेंबर बन जाएगा। एरन फ्लिंच और डेविड वार्नर को ही डिफरेंशियल वैसे ले सकते हो, स्टीव स्मिथ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, एरन फिंच या डी वार्नर में से किसी एक को अगर डिफरेंशियल टीम को कम करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्लियर, ओके, सिंपल सा सेक्शन था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगले सेक्शन को, जो कि है हमारा ऑलराउंडर वाला सेक्शन। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ठीक है वीडियो देखते हो, इतने लोग देखते हो, बट अगर अभी तक भी आप लोगों ने ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत कुछ। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि आप लोग क्या कुछ मिस कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे ही है, उसे क्लिक करो और फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, फेक टेलीग्राम ग्रुप पे मत ज्वाइन होना। नहीं होता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में पता करो, आप लोगों को पता चल जाएगा हमारे ओरिजिनल ग्रुप के बारे में। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन को। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन को। ऑलराउंडर वाला सेक्शन बहुत ही सिंपल सेक्शन है। यहां पर देखो आप लोगों ने करना क्या है, यहां पर देखो जी मैक्सवेल सेकेंड डाउन पोजीशन पे आता है। बॉलिंग लास्ट मैच में नहीं कराया था, क्यों? क्योंकि ए अगर अब टीम पे आ गए हैं, ए अगर आ गए हैं तो जी मैक्सवेल बॉलिंग नहीं कराते, बट बांग्लादेश की टीम थोड़ी कमजोर टीम है तो इन्हें बॉलिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है ना, तो एक तो आप लोगों ने जी मैक्सवेल को ले लेना है, क्योंकि बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। ए अगर को अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो मैं यहां पर ए अगर को भी रखना चाहूंगा। ठीक है, बट मैं इनके ऊपर एक स्टार लगा के रखूंगा। क्यों मैंने ये स्टार लगाया, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, और एम स्टॉइनिश को मैं लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि थर्ड डाउन पोजीशन पे तो आते हैं बट बॉलिंग नहीं कर रहे, और मेरे हिसाब से सेकंड डाउन पोजीशन तक सफिशियंट है बांग्लादेश की टीम के लिए। मतलब कि जितना रन अगर वो बनाते हैं तो सेकंड डाउन पोजीशन तक वाला प्लेयर चेस कर लेगा इजीली, और अगर पहले बैटिंग करा तो सेकंड डाउन पोजीशन तक का प्लेयर ही मेजॉरिटी ऑफ ओवर खेल चुका होगा। ओके, अब देखो बांग्लादेश की टीम से भी प्रॉब्लम ये है कि चार प्लेयर तो लेकर जाने, एक तो ये हो गया, दूसरा प्लेयर ये हो गया, तीसरा प्लेयर यहां पर मैं आप लोगों को एम हसन रखने के लिए बोलूंगा, मेहंदी हसन। क्यों? क्योंकि बॉलिंग करा लेता है, सिक्स डाउन पोजीशन पे भी आता है, बैटिंग भी कर लेता है। लास्ट मैच अगर आप लोग देखोगे तो 27 रन बनाए थे, एक विकेट लिए थे, उससे पहले यहाँ पे 2 विकेट लिए थे, समझ रहे हो ना? तो कुछ ना कुछ तो करके जाएगा ही, पूरे अपने ओवर कराएगा और विकेट्स भी ले सकता है। ठीक है ना, तो इस वाले पोजीशन पे हम लोग एम हसन मेहंदी हसन को रखेंगे। सौम्य सरकार फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आता है और बॉलिंग लास्ट मैच में एक ओवर कराया था, कभी कराता है कभी नहीं कराता है, तो सौम्य सरकार उतना मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके मुकाबले में मुझे एम हसन ही ज्यादा अच्छा प्लेयर लग रहा है। ठीक है, बट स्टिल अगर बांग्लादेश की टीम आप लोगों की किसी भी इनिंग्स पे बैटिंग कर रहे ना, तो सौम्य सरकार को मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उसे आप लोग कंसिडर करना। हो भी सकता है कि यहाँ की टीम के जो 1 या 2 विकेट गिरेंगे उसमें से 1 विकेट इसे ही मिल जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है, सॉरी मेहंदी हसन को मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी मेहंदी हसन के आप लोगों के टीम पे होने के ज्यादा चांसेस है। बट यहां पर ना एक 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 और दिमाग में जो बात क्लिक कर रही है कि अगर हम लोग कट द टीम बनाते हैं तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि भैया बांग्लादेश की टीम से किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिलेगा। उस केस में आप लोगों को सौम्य सरकार को कंसिडर करना पड़ेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। चाहे ये 15 रन भी बनाएगा ना, तब भी ड्रीम टीम के अंदर घुसता हुआ दिखेगा आप लोगों को, तो उस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना, टीम बनाते हुए कट द टीम अगर बनाओगे ना, तो सौम्य सरकार को आप लोग अंदर इन करना पक्का से ऑलराउंडर वाले सेक्शन से। अगर कट द टीम आप लोगों का बनता है तो 1, 2, 3, 4 प्लेयर आप लोगों के हो जाएंगे। यहां में से आप लोगों को एक प्लेयर को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों में से।
किसे एलिमिनेट करोगे? ऑब्वियसली बात है ग्लेन मैक्सवेल को एलिमिनेट करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग कट द टीम लॉजिक लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ग्लेन मैक्सवेल तो बैटिंग ही नहीं करने आएगा। अगर बैटिंग करने नहीं आएगा, बॉलिंग ए अगर है तो मेजोरिटी ऑफ बॉलिंग ए अगर करेगा, तो ग्लेन मैक्सवेल टीम पे क्यों होगा, उसे होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो कट द टीम लॉजिक अगर आप लोग चलाओगे तो उस केस पे आप लोग सौम्य सरकार को इन करोगे, ग्लेन मैक्सवेल को यहां से आउट करोगे और मेहंदी हसन को भी इन करके रखोगे। इस बात को ध्यान से सोचना जो बात बोला है, लिख लेना डिफरेंशियल को, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल लॉजिक ऐसे ही जाएगा कल के मैच में। ओके, सीबीसी के कंटेंडर, यहां से आप लोगों को इस पूरे सेक्शन से सीबीसी का कंटेंडर मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है, सीबीसी का कंटेंडर आप लोगों को यहां से आता हुआ नहीं दिखेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन पे, जो कि है हमारा बॉलिंग वाला सेक्शन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन को। अगर आप लोग बॉलिंग वाले सेक्शन को देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पे आप लोगों को एम स्टार्क, एडम जाम्पा, पैट क्यूमिंस और जोश हेजलवुड खेलते हुए दिखेंगे। वहीं बांग्लादेश की टीम पे आप लोगों को एम रहीम, टी अहमद और एस इस्लाम खेलते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में एम रहीम को रेस्ट दिया गया था, होपफुली इस मैच पे वो परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आप लोगों को। अब देखो यहां पर समझो बात को, ठीक है। अगर आप लोग कट द टीम लगाते हो, कट द टीम का मतलब क्या है, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बॉलिंग करने आती है और सेकेंड इनिंग पे चेस करती है, अगर आप लोगों को कट द टीम लगाना है ना, तो मैं आप लोगों को बेहतरीन एक टीम दे रहा हूं। यहां से आप लोग लिटिन दास को लोगे, यहां से आप लोग इन तीनों में से किसी एक प्लेयर को लोगे, ठीक है, नेम से हो गया, मामूदुल्ला हो गया, ठीक है, और एम रहीम में से किसी एक को लोगे। यहां से आप लोग ना मेहंदी हसन को ले लेना, ठीक है, और साथ पे आप लोग किसे लोगे, सौम्य सरकार को लोगे, ठीक है, सौम्य सरकार को लोगे। ग्लेन मैक्स को यहां पर, मैक्सवेल को यहां पर आप लोग ड्रॉप करोगे और ऑस्ट्रेलिया के आप लोग सारे बॉलर्स ले लोगे, मतलब आप लोग एम स्टार्क को भी ले लोगे, आप लोग एडम जैम्पा को भी ले लोगे, आप लोग पैट क्यूमिंस को भी ले लोगे और आप लोग जे हेजलवुड को भी ले लोगे। ठीक है, कट द टीम के लिए बांग्लादेश के चार प्लेयर आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है, और आप लोगों के ऑस्ट्रेलिया के सात प्लेयर हो जाएंगे, कट द टीम। इस लॉजिक को अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो तो, बट अगर मैं आप लोगों को क्या सजेस्ट करने वाला हूं, यहां पर देखो आप लोगों को करना क्या चाहिए, वैसे आप लोगों को यहां से ना तीन बॉलर्स लेकर जाने चाहिए, तीन बॉलर्स, ठीक है। तीन बॉलर्स कौन से होंगे, देखो एक तो एडम जैम्पा फिक्स बॉलर है, इसे पक्का से लेकर, बाकी इन दो पोजीशन में ना आप लोग डिफरेंशियली इन तीन प्लेयर को ट्राई करना, स्टार्क को, पैट क्यूमिंस को, जे हेजलवुड को, एक ना एक तो ऐसा निकल ही जाएगा जिसे विकेट नहीं मिलेगा। एडम जैम्पा को फिक्स कर लेना, बाकी इन तीन में से डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन जैसे मिशेल स्टार्क के साथ आप लोग पैट क्यूमिंस को ले लेना, आप लोग मिशेल स्टार्क के साथ आप लोग जोश हेजलवुड को ले लेना, और एक टीम पे आप लोग पैट क्यूमिंस के साथ जोश हेजलवुड को ले लेना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे मैंने यहां पर डाला। और यहीं पर इस जगह पर आप लोगों को सीबीसी का कंटेंडर मिलेगा, दूसरा सीबीसी का कंटेंडर आप लोगों को इस ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, पहला यहां पे था, दूसरा इस ब्लॉक के अंदर था। ओके, और बांग्लादेश की टीम से आप लोग किसे लेकर जा सकते हो, देखो मेरे हिसाब से बांग्लादेश की टीम से जो अच्छा बॉलर है, एक तो आप लोगों ने ले ही लिया, ठीक है, एक तो आप लोगों ने ले लिया एम हसन को, या तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, करने को कुछ नहीं, आप लोग एम हसन को ड्रॉप करो और यहां पर नीचे लाओ और नीचे यहां पे दो बॉलर ले लो, उस पे क्या है, करने को ऐसा भी तो कर सकते हो, ठीक है, बट एम हसन को ले लेना, मेहंदी हसन को ले लेना, विकेट टेकर बॉलर है, ठीक है। ओके, अब यहां पर ना देखो, एक तो आप लोग टी अहमद को मत लेना है इस वाले मैच में, लास्ट मैच में उसने दो विकेट लिए, ज्यादातर लोग लेकर जाएंगे, बट आप लोग मत लेना, आप लोग एम रहीम और एस इस्लाम में से ही किसी एक को लेना, इन दोनों में से, ठीक है, यहां पर आप लोग या तो एम रहीम को लेना या एस इस्लाम को लेना, बस। और ये दोनों डीटी के मेंबर नहीं होंगे आप लोगों के, सॉरी डीटी कह रहा, सीवीसी के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही टीम आप लोगों ने, जो लॉजिक मैंने आज आप लोगों को बताया ना, इसी लॉजिक पे अगर आप लोग टीम बनाओगे ना, तो ट्रस्ट रखो दोस्तों, आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ सकते हो। बेहतरीन रिजल्ट से मेरा मतलब होता है टॉप 10 रैंक्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन किस पोजीशन से लगाना है, कौन से प्लेयर किस पोजीशन पे, डिफरेंशियल प्लेयर आप लोगों ने लेना है, सब चीज मैंने आप लोगों को बताया है। कॉपी पेन लो, टीम बनाओ सारे, और उसके बाद सीबीसी को आप लोग डाल दो,
ठीक है, सीवीसी एक पकड़ के डालना, ठीक है। आप लोग देखते होंगे मैं आप लोगों को सीवीसी देता हूं मोस्टली, कल के दो मैच में मैंने आप लोगों को सीवीसी दिया, ठीक है। दोनों सीवीसी एग्जैक्टली अपने प्लेस पे सही गए। कैसे गए? क्यों? क्योंकि मैं वही लॉजिक यूज करता हूं जो मैं आप लोगों को यहां पर समझाता हूं, ठीक है ना। तो उस चीज को डेवलप करो, डेवलप करोगे तो वो आप लोगों को ही फायदेमंद देगी, ठीक है। मेरा मोटिव यहां पर आप लोगों को मेरे ऊपर डिपेंड बनाना नहीं है, मेरा मोटिव यहां पर आकर आप लोगों को एक अच्छा फैंटेसी प्लेयर बनाना है, इतना आप लोगों को काबिल बना देना है कि आप लोगों को किसी वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो पे। होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, उसे क्लिक करके ज्वाइन करना ना भूलिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों।